सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठे, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठी, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर आपको कर ले गई बात। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी आपको इसको हसन बे पहले काफ़ी बता चुका हूँ कि जी उसको हमने किस लिए सिलेक्ट किया है, वो तो वैसे बात क्लियर हो गई। दूसरा सवाल आपने क्या किया ना, शान की परफॉर्मेंस देना, जो इससे पहले जो 25 लड़के भेजते हैं हमेरा, ठीक है जी, हम इसमें से ICC को वर्ल्ड कप के ना पहले एक महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शान का नाम भेजा था, और वो ऐसा नहीं है कि जी अगर 15 महीने का उसे कंसीडर नहीं कर रहे, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो सारी जगह पे दी है, लेकिन जो इससे ओपनर है हमारे, ठीक है जी, फ़खर की तरफ फोर्सर नहीं है, लेकिन फ़खर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, या पिछले काफ़ी अर्से से वो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो वो गेम चेंज कर सकते हैं, या इमानवी अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये अच्छे होना अच्छी बात है कि हमारे पास अगर इतने लोग हैं ताकि इससे हमारी टीम की जो उसकी ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो लड़के खेलेंगे ना उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा, तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ, अगर कोई ये कहेंगे कि वो बुरा था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो भी अच्छे हैं, तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है। और नवाज ने 90 के एवरेज से रुके हैं, और दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने आया हुआ है, क्या है टीम का इतना बड़ा डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, सेम कंडीशन समझ सकते हैं कि एक बात यह और दूसरी एक बॉलिंग कोच का भी ऑप्शन देर में है साथ में। एक तो आपने बिल्कुल सही स्टैट्स निकाले हैं, एक तो कुलदीप यादव को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, वो दूसरी टीम में उसको नहीं कर सकता मैं। और ये शदाब और नवाज ने कहा कि हमने कंटिन्यूटी की है, जो लोग पहले से खेलते आ रहे थे, मैंने कोई आपको पहले जिक्र किया था, कोई काट पिछाड़ करने की कोशिश नहीं की, ठीक है जी, वर्ल्ड कप का जो सा स्क्वाड है, जो प्लेयर आप तैयार करते हैं ना, उसको आप है ना थोड़े अरसे तक है ना उनको खिलाते हैं, 6 महीने या साल पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप उनको अगर वो टीम बनती है, तो शदाब और नवाज अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो ये पाकिस्तान टीम के साथ है ना ODIs खेलते हैं, ठीक है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वो भाई पहले ने भी किया था, मुझे बताया था कि हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान टीम को, वो इस चीज़ की हो रही है कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे, बिकॉज ये कि कोई शक नहीं है कि शदाब और नवाज की जो परफॉर्मेंस जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन हमें इन पर कॉन्फिडेंस है कि जी ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं, इन्होंने बीच में परफॉर्मेंस दी भी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा इवेंट है, इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, वरना उसामा मीर की भी ऑप्शन है कि जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अभी बॉलिंग कोच का ऑप्शन देखा, अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का कि वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्निंग मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कोई जी रख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी हम इस नज़र से देखेंगे, पहले भी यही चीज़ें हमने की है कि जिसमें मैं पहले चीफ सेलेक्टर था कि जिसने जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की जरूरत होती थी, उस टाइम ओपनर्स की जरूरत थी, या उस टाइम जिस स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे ऑफ स्पिनर, या जिस चीज़ की भी हमें पाकिस्तान टीम में ज़रूरत होती थी, हम उनको अपनी अकेडमी में बुलाते थे, और अकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेस उनके साथ लगाते थे ताकि वो उनके साथ काम करें, अच्छे हों, और उनको फिर पाकिस्तान टीम में ना करें, तो आप भी इस तरह देखेंगे इस चीज़ को। अगर ये वहाँ जरूरी पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की, तो वहाँ भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल लेते हैं,
जी एक तो बड़ा मुख्य टाइम है क्या स्टेट का कोई जमीन के लिए एक दो रोज के लिए बैठा होगा और इसके साथ साथ ये भी आ रहे कि मोहम्मद आमिर के हवाले से बड़ी मीटिंग में बहुत आदमी आ रही है उन्होंने दस्तयाब के हवाले से कहा भी है कि मैं दस्तयाब को करना चाहिए देना चाहिए उस हवाले से क्या आमिर को वापस आना ही है आमिर को वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी दूसरा ये कि सारा को पता कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है और उसने रिटायरमेंट ले ली थी अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं आप अपने फर्स्ट क्लास आके खेलें वहाँ परफॉर्मेंस देंगे आपको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा तो मैंने पहले भी ये कहा कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना ये सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता ये हर एक प्लेयर का अपना डिसीजन है ठीक है जी अगर जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं वो आके फर्स्ट क्लास खेले उसमें परफॉर्मेंस देगा उसको कंसीडर किया जाएगा उसमें बेशक मोहम्मद आमिर हो या किसी दूसरा भी हो जो जो भी लोग हैं और जो भी मेरे से लोग दूसरे भी सवाल करते हैं कि जी हमारा क्या मैंने कहा आप फर्स्ट क्लास खेले आप परफॉर्मेंस देंगे आप कंसीडर करेंगे बोर्ड भी कंसीडर करेगा सेलेक्शन कमेटी भी और जी कोशिश करेगा Thank you. Thank you. Thank you.